नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत करती हूँ मैं अपना इस अपने रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। ये पाठ एक शुभ पाठ के लिए है, यानी कि मंदिर बनवाने के लिए किया जा रहा है और उम्मीद करती हूँ आप व्यूअर्स इसमें मेरा साथ देंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। ये एक्चुअली पेपर उड़ रहा था बुक का, तो इसे मैंने रख दिया था इसको मोबाइल नंबर को। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सब्सक्राइब करवाएंगे चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले और मैं इस काज को पूर्ण कर सकूं। सब्सक्राइब करने में एक्चुअली कोई पैसा नहीं लगता है, तो दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। भई किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखदाम, अंग अंग पर बारी अही कोटि कोटि सत्य काम। तो कल तक हमने जाना था कि राम और लक्ष्मण दोनों शहर देखने नगर देखने के लिए निकले हैं और जो स्त्रियां हैं वो झरोकों में से देख रही हैं और श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार रही हैं और वो आपस में बात करती हैं कि देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसी कोई शोभा तो सुनने में नहीं आती और भगवान की भी वर्णन करती हैं वो कि दूसरा कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके साथ इस छवि को की उपमा दी जाए, तो वो जानना चाहती हैं कि ये लोग कौन हैं। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदर के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देने चाहिए। ये ऐसी नगर की स्त्रियां कह रही हैं। कह हूं सखी अस को तनुधारी, जो ना मोह यह रूप निहारी, बहु सप्रेम बोली मृदवाणी, जो मैं सुना सो सुनहु सियानी। हे सखी कहो तो ऐसा कौन श्रीधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सियानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के छोटा, बाल मरा नहीं केकल झोटा, मुनि कौशिक मक के रखवारे, जीने रन अजिर निसाचर मारे। तो ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं, बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। ये तो अब सब समझ आ रहा होगा ना, ये तो कोई ऐसा नहीं है, कॉमन भाषा में ही है ये तो। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुबुज मधुर मोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पान। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र इनका राम राम है। तो सखियां आपस में बात कर रही हैं कि इनके सुंदर नेत्र हैं, मारी तो स्वभावों के मद को चूर करने वाले हैं, यानी कि राक्षसों को इन्होंने मारा है और धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं, जो वो कौशल्या के पुत्र राम हैं। गौर किशोर वेशु बर काछे, करसर चाप राम के पाचे, लक्ष्मीनु नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता।
जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है और हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। तो यहाँ भी उन्होंने, सखियों ने लक्ष्मण का चित्रण किया है कि वो किशोर है, रंग गोरा है उनका और सुंदर वेशभूषा है, हाथ में धनुष बाण है और रामचंद्र जी के पीछे चल रहे हैं और वो उनके भाई छोटे और माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काजू करी बंधु दो मग मुनि वधु उधारी आए देखन चाप मख सुनी हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं, यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहीं जोगु जान गही यह बरु अहाई जो सकी इन्हें देख नर नाहु पन परिहरी हटि करही विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक कहने लगी यह वर जानकी के योग्य है, हे सखी यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हर्षपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। तो सखी आपस में बात कर रही हैं कि इनकी जो छवि है वो अनुपम है और राजा अगर इन्हें देख लेंगे तो अपनी बेटी का विवाह इन्हीं के साथ कर देंगे, जानकी का विवाह इनके साथ कर देंगे। कोऊ कहे ए भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन माने सखी परंतु पनु राव न तजई विधि बस हटी अविवेक ही भजई। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता, वह होनहार के वशीभूत होकर हट पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। कोऊ कहे जो भल आही विधाता सब कहे सुनई उचित फल दाता तो जानकी ही मिलही बरु एहू नाहिन आली यह सन देऊ। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, हे सखी इसमें संदेह नहीं है। जो यदि बस अस बने संजोगू तो कृत कृत्य होई सब लोगू सखी हमरे आरती अति ताते कब हुक ए आवहीं यही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं, हे सखी मेरे तो इसी से इतनी आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। तो सखियाँ कहती हैं कि विधाता भले हैं, सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं तो जानकी को यही वर मिलेगा और वो जानकी के लिए यही वर चाहती हैं सखियाँ। तो वो ये भी दुआ करती हैं भगवान से कि देवयोग से ऐसा संयोग बन जाए अगर तो हम लोग कृतार्थ हो जाएं कि भाई राम और सीता की शादी हो जाए, जानकी की शादी हो जाए। ना ही तह हम कहूँ सुनहु सखी इन्हें कर दर्शनु दूरी यह संघटु तब होई जब उन्हें पुराकृत भूरी। नहीं तो ये सखी सुनो हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं, यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजनों के बहुत पुण्य हों। तो अगर वो सोचती हैं कि विवाह हो जाएगा तो अच्छी बात है कि ये देवयोग से संयोग से बन जाए ये जोड़ी, और अगर नहीं विवाह हुआ तो वो ये सोचती हैं कि ये हमारे पुण्य पूर्वजनों का बहुत पुण्य होंगे, ये वैसे दुर्लभ योग है, दुर्लभ संयोग है। और अगर विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो हमको इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजन्मों के बहुत पुण्य हों, मतलब हमारे
पूर्व जन्म के पुण्य होंगे तभी इनकी शादी हो सकती है और तभी हम इन्हें देख सकते हैं। और शादी हो जाएगी, जानकी और राम की शादी हो जाएगी, तो इस बार में ये लोग यहाँ पर आ भी सकेंगे। तो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, उम्मीद करती हूँ सब्सक्राइब कर रहे होंगे और लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। मैं आपको इसमें वो जो वीडियो है मेरे पास वो मैं डाल देती हूँ ताकि आप लोग वो मंदिर की वीडियो देख पाए। तो आपने देखा वो वीडियो, ये यूपी के गांव का वीडियो है और ये कुल देवी के मंदिर का वीडियो है। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको पूर्ण कराने में मेरी सहायता करेंगे, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ तो सब्सक्राइब कीजिए तो दैट कि मैं उसे इस काम को पूरा कर सकूँ। बोली अबर कहूँ सखी निका, यही बिहाई अति हित सब ही का, कोऊ कह शंकर चाप कठोरा, ऐ श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरे ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोयल शरीर के बालक है, कोमल शरीर के बालक है। लघु असमंजस आई सियानी, ये सुनी अपर कही मृदुवाणी, सखी इन्हें कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु आई। हे सयानी सब असमंजस ही है, ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इसमें इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अगभूरी, सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परि हरें न भोरे। तो दूसरी सखी कहती है कि सब ये असमंजस है और हे सखी संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे लग रहे हैं पर इनका प्रभाव जो है तो वो बहुत बड़ा है, मतलब इनकी जो गरिमा है वो बहुत बड़ी है। जिनके चरण कमलों की धूरी का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, क्या वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे, इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेही विरंची रचि सिए संवारी, तेही श्यामल बरु रचेव विचारी, तासु वचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहीं मृदवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है उसी ने विचार कर संवार कर वर भी रच रखा है, उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर्ष ही वर्ष ही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जय बंधु तो तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियाँ समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं, जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। नगर में सभी सुंदर नेत्र वाली स्त्रियाँ झुंड में खुश होकर और फूल बरसा रही हैं, जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ पे बहुत खुशी का माहौल हो जाता है। पूर्व पूर्व देखे दिसी गे दो भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच ठारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी।
दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। तो दोनों भाई नगर के पूरब में गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए जो जगह बनाई गई थी वो बहुत लंबा चौड़ा सुंदर पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। मतलब वहाँ पर ये कार्यक्रम होना था, धनुष तोड़ना था वहाँ पर सीता के लिए। चहु दिसी कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठही महीपाला, तेही पाछे समीप चहु पासा, अबर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। यहाँ बताया गया कि राजाओं के बैठने के लिए भी मंच बनाए गए थे। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठ ही नगर लोग जह जाई, तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरण बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफ़ेद मकान अनेकों रंगों से बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, उर बालक कहीं कहीं मृदु वचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य बैठकर देखेंगी, नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को रचना दिखला रहे हैं। जो उनके पीछे रामचंद्र जी और लक्ष्मण के पीछे जो बालक लग गए थे, वो उन्हें बता रहे हैं कि यहाँ पर स्त्रियाँ बैठेंगी और यहाँ राजा बैठेंगे, और उनको सारी चीज़ें ये दिखा रहे हैं अपने कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एही मिस प्रेम बज परसी मनोहर गात, तन पुलक ही अति हर्षु ही देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश में होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेगी बुलाई, सहित स्नेह जाई जाही दोनों भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वहीं अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना, लव निमेश महु भुवन निकाया, रचही जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लवनी मेष में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। तो आज का पाठ मैं यही पूर्ण करती हूँ, यही संपन्न करती हूँ। तो कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में, एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो लॉट्स ऑफ लव, बी सेफ। तो कल फिर मिलते हैं।